वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राहुल सर और एक्सीलेंस इंग्लिश स्पोकन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको जानकारी है, एवरीबडी नोज, एवरी सैटरडे हम किसी स्पेशल शख्सियत को एकेडमी में इनवाइट करते हैं, वो अपने फील्ड की जानकारी आपको देते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम जिस शख्सियत को यहां बुलाने वाले हैं उनके बारे में मैं छोटी सी जानकारी आप सभी को देना चाहता हूं। वो योग के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, योग के क्षेत्र में इन्होंने अपनी जिंदगी सवारी है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी सवारी है। योग एक कला है, उसको किस तरह से अपने जीवन में उतारे, अपने लाइफ को कैसे चेंज करे और जिंदगी से जुड़े हुए जितने सारे सवाल है उन सवालों के जवाब देने हमारे बीच में आने वाले हैं दुष्यंत सिंह जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दुष्यंत सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे बीच में दुष्यंत सिंह जी हैं, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, योग के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। ही हैज डन वेरी वेल वर्क इन योगा। सो आज हमारे जितने भी आपके डाउट्स हैं, आपके जितने भी इंग्लिश से जुड़े हुए, आपके योग से जुड़े हुए, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए जो भी सवाल है आप उनको दुष्यंत सिंह जी से पूछे। उससे पहले मैं चाहूंगा दुष्यंत सिंह जी का माल्यार्पण कर हम स्वागत करें। प्लीज प्लीज बिना देर किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं दुष्यंत जी से कुछ सवाल जवाब करूंगा, मैं चाहूंगा वो हमारे सवालों के जवाब दे। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं जो आप अपने सवाल जितने भी पूछना चाहते हैं आप सभी दुष्यंत जी से अपने सवाल कर सकते हैं। चलिए दुष्यंत जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ एक्सेलेंस अकेडमी की तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, योग के क्षेत्र में जो आपने कार्य किया वो आपने, सबसे पहले तो बहुत आपको शुभकामनाएं सर इस फील्ड में, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत सारे, पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं, नाम कमाने के बहुत जरिए, लेकिन आपने जो क्षेत्र चुना सर, जो फील्ड चुना वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं चाहूंगा कि सर आपकी ये शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा एक परिचय आप इस फील्ड में बच्चों को देते सर। बेशक इस जीवन यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम जब भी योग की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले एक बार ईश्वर का स्मरण करते हैं ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं प्रार्थना करते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह हम आज के इस कार्यक्रम की जो शुरुआत करेंगे ईश्वर का स्मरण करके करेंगे ना। तो गहरी सांस लेके ओंकार का उच्चारण करेंगे, अपने मास्क हटा दीजिए दो मिनट के लिए। हाँ तो आप सभी सर आप भी है ना, गहरी सांस लेनी है और सांस भरने के पश्चात लंबा ओंकार का नाद करना है, ठीक है। आ जाइए, हर व्यक्ति की अपनी एक जीवन यात्रा होती है ना, और हर व्यक्ति अपने जीवन का हीरो होता है कि नहीं, है ना। सभी अपने जीवन के नायक होते हैं। अब ये शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा। शुरुआत हुई थी 2012 में, मैं पूरी जीवन गाथा नहीं सुना रहा, कहां से बदलाव आया। टर्निंग प्वाइंट आता हर व्यक्ति के जीवन में, और आता दुख से, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आती है, पीड़ा आती है। तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2012 का समय था, आप ही की तरह मैं एक बच्चा था जो पढ़ने के लिए बाहर गया कॉलेज। वहां जाके मैंने देखा जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और चिंतित होके घबरा के मैं बीमार हो गया। उस बीमार होने के पश्चात वहां से मेरी योग की यात्रा शुरू हुई। मैंने कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ी जैसे आपने नाम सुना होगा गीता उपनिषद, उनके बारे में अध्ययन किया। तो मुझे बहुत अचंभित करने वाली बातें सामने आई कि मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, हमेशा व्यक्ति शांत आनंदित, ऐसा ये सब किताबी ज्ञान है या वास्तव है। तो मैं उस खोज में आगे
बढ़ निकला। तो करते करते अभ्यास, अच्छे अच्छे गुरु मिले, अच्छी अच्छी पुस्तकें, सबने सहयोग किया और ज्यादा अच्छा तो नहीं, सर ने तो बहुत ज्यादा बड़ा चला कि मेरे बारे में क्या इतना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक लोगों की हेल्प की है मैंने, खुद भी योग के माध्यम से ठीक हुआ हूं और कोशिश करता हूं कि दूसरों का भी जीवन सुधार लूं। अभी मैं योग प्रशिक्षक हूं भैंसवाड़ा में, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। और सबसे बड़ी बात, सर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, इस अकेडमी के बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा जो हर शनिवार को आपके सामने एक नई चीज लेके प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना यह था कि हमारे बच्चों को योग के बारे में पता चले, है ना, योग जरूरी क्यों है, आज हम इस बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, आप सब जानते हैं ना योग क्यों करते हैं हमारे जीवन में सबसे। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम योगा इसलिए करते हैं, हम योगा इसलिए करते हैं, हम योगा इसलिए करते हैं जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारे मतलब की दुख दूर हो सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, लड़की के लिए क्लैप करें, बच्ची के लिए। कि हम योग इसलिए करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें और जीवन में दुख खत्म हो। गौतम बुद्ध के बारे में भी हमने ऐसे कुछ सुना था, उन्होंने जीवन में दुख देखा और दुख से घबरा के उन्होंने सत्य की खोज की, कुछ कुछ तो ऐसा होगा जहाँ सुख स्थायी रहे, जहाँ जाके सारे दुख शांत हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसा कुछ, तो वह योग किया था। और ये जो यहाँ से जो सीख के जाएंगे, ज्यादा कुछ तो नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन बेसिक बेसिक जो बातें बताऊंगा वो आपके जीवन बहुत काम आएगी। हो सकता है यहाँ से आप अच्छे से अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ, अच्छा मानव बनने के साथ साथ योग की यात्रा भी आपके साथ ही साथ चलती रहे, ठीक है? तो योग शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को शांत करता है, ऐसे बड़े बड़े तौर पर कह लो तो मनुष्य को योगियों ने 5 भागों में बांटा, एक इंसान को 5 हिस्सों में बांटा है, शरीर, उसका मन, उसके प्राण और उसका भावनाएं और आत्मिक बोध, ऐसे 5 टुकड़ों में बांटा है। हर व्यक्ति जानता है शरीर स्वस्थ रखना कितना जरूरी, हम सब बीमार हो रखे हैं, एक ना एक बात तो कोई ना कोई बीमार हुआ ही होगा, साथ ही साथ मन में बातचीत चलती रहती है, एक 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 प्रकार का द्वंद, आपसी लड़ाई चलती रहती है, प्रश्न यही उठाता है, यही उत्तर देता है ना, द्वंद रहता है या नहीं रहता? कोई व्यक्ति ऐसा है जो एकदम शांत रहता है हमेशा, उसका मन पूरा वश में उसके, ऐसा है क्या? होता है ना, मन कल्पनाएं करता है या शाब्दिक बातचीत चलती रहती है भीतर। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, आज छोटी छोटी हिंट्स देके जाऊंगा, कुछ छोटी छोटी तरीके जिससे आप मन को शांत कर सके। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए उसके पीछे मन का रोल है या नहीं है? सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो मन का है ना। अगर मन शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, तन्मय नहीं है, तो आप कुछ नहीं सीख सकते, है ना, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ज्यादा सिखाने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि ज्ञान आपके भीतर ही है। योग मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, मैं बस आपको उस अंतश्चेतना से जोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है? बिल्कुल सर, आपने योग के बारे में बेसिक जानकारियां दी। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, यहाँ कुछ बच्चों के मन में ये द्वंद्व भी है, काफी समय से ये बच्चे मन में ये द्वंद्व पाल रहे हैं कि सर जब पढ़ने बैठते हैं बेसिकली, इससे पहले तो नॉर्मली हम पढ़ाई का बहुत अच्छा मोटिवेशन ले आते हैं, बहुत सारे लोग इनको मोटिवेट करते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक लंबे देर तक उनके साथ नहीं रहता, और जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो मन विचलित हो जाता है और वो पढ़ने में उनका मन नहीं लग पाता, तो इसके लिए क्या करें? वो ये समस्या सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं है, ये समस्या मेरे साथ भी है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी हम निर्णय लेते हैं कई बार वो ऊपरी मन के होते हैं, चेतन मन के, और उसकी सीमाएं, जैसे कोई व्यक्ति है, उदाहरण दे रहा हूं, वो लंबे समय से शराब का सेवन कर रहा है या गुटखा खा रहा है, वो चाहता है कि मैं छोड़ दूं, वो स्वयं चाहता है मैं छोड़ दूं, इससे मेरे जीवन में बर्बादी हो रही है, मेरी मार्केट में इमेज नहीं है, वैल्यू नहीं है, और भी बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं, तो वो चाहता है, ऊपर से चाहता है बस ये लास्ट, और लास्ट कभी नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसका शरीर वो मांगना शुरू कर देता, डिमांड, क्योंकि वो बात उसके अवचेतन में पहुंच गई है। तो जो आपके भीतर गहराई में धंसा हुआ ना, उसको हटाने में समय लगेगा। तो इसमें हमारे योग में योग होता है सिद्धि योग, उसके द्वारा ये चीजें की जा सकती है अगर लंबा अभ्यास किया जाए तो। बिल्कुल सर, यहाँ से एक और सवाल है कि काफी लोगों का मानना है, मुझे मेरा खुद का पर्सनल ये सवाल भी है, योग का अगर परिभाषा हम दे, इसको डिफाइन करें, तो योग क्या एक ध्यान करना ही योग है या फिर योग की बहुत सारी कलाएं हैं? योग बेसिकली एक परिभाषा के रूप में आपके क्या विचार?
योग की अनंत परिभाषा है, लेकिन मैं ये कहूंगा योग आपका संपूर्ण जीवन है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका निर्णय लेना, आपकी शारीरिक क्रिया, क्या ये सब करते हुए आप अवैध हैं या नहीं। सुबह उठने से लेके नींद तक, इवन नींद में भी, अगर नींद में भी मन एकदम शांत और एकाग्र है, पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं, तब भी योग हो सकता है अगर थोड़ा सा गौर दिया जाए तो, है ना। योग चित्त की वह अवस्था है जिसमें मन एकदम शांत होता है। योग का मतलब अनंत बहुत सारी परिभाषा है, मन का परम के साथ मिलन होना, उसका शांत होना, आनंदित होना, है ना। सर एक और था कि योग का क्या कोई समय फिक्स है, एक निश्चित सर्टेन टाइम होता है कि उसी समय योग किया जा सकता है, या फिर सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी किया जा सकता है आपकी नजर में? ऐसा है, अगर आप शारीरिक व्यायाम की बात कर रहे हैं तो ये सुबह करना सबसे बेहतर रहता है, जब पेट में अन्न कम हो, हल्का हो, है ना। शारीरिक व्यायाम में तो क्या होता है, अगर ज्यादा है तो नहीं करना है। लेकिन अगर योग की एक विहंगम दृष्टि से देखें उसको, तो योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम है, उछल कूद नहीं। लोग जैसा समझते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर लिया, अब सर ध्यान है, ध्यान कभी भी किया जा सकता है, है ना। अगर आपने ध्यान को समझ लिया, निर्विचार जागरूकता, है ना, तो वो आप पढ़ते वक्त भी कर सकते हैं। और पढ़ाई में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल ध्यान का है, मन की शांति। जितना शांत रहेगा ना, उतना अवचेतन खुलेगा, उतनी पढ़ाई अंदर बैठेगी। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, जिसको जिस चीज से प्रेम है ना, वो उसमें लग जाता है। पूरे दिल से होना चाहिए, अगर ऊपरी ऊपरी है तो पढ़ाई नहीं बैठेगी। अगर हम सिर्फ परिवार के कहने पे, टीचर के कहने पे, सिर्फ औपचारिकता समझ के करना ही पड़ेगा तो मजा नहीं है। या तो फिर आप अपने अंतस मन की शांत होके बैठ जाए कि जीवन में क्या बन के आपको खुशी मिलेगी, पहले तो निर्णय करना आना चाहिए। द्वंद है ना, क्योंकि एक व्यक्ति ना तो कलेक्टर बन सकता है, ना कोई ऑफिसर, या तो एक ही चीज बन सकता, सब तो नहीं बन सकते ना, एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। तो शांत होके देखिए आपके अंदर क्या योग्यता है, आप खिलाड़ी बनना, पहले तो निर्णय स्पष्ट होना चाहिए। तो शांत होके ये गौर से देखे, उसके बाद में उस पर काम करें, पूरा अंतस मन लगा, सफलता जरूर मिलेगी। तो एक तो बहुत सारा सवाल कंटिन्यू आपसे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू नहीं इंट्रोगेशन है, इसका इंट्रोगेशन ना समझे, हम बेसिक जानकारियां चाहते हैं। एक और सवाल है सर कि आजकल जो यूथ है जो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है सर, लेकिन बहुत नेगेटिव होता जा रहा है यूथ, उसको अगर छोटी सी किसी एक बात पर थोड़ा सा कह दिया जाए तो गुस्सा हो जाता है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि एक आशावादी कैसे बने, पॉजिटिव कैसे रहे इंसान, और जो गुस्सा है उसको नियंत्रित कैसे करें, योग के अंदर ऐसी कोई एक कला है? बेशक है। तो एक डेमो ले लेते हैं, अभी हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, अभी कुछ ना कुछ विचार या भाव चल रहे होंगे। तो अब है ना एक डेमो लेते हैं, एक टेक्निक है ब्रह्मनाथ। सबसे पहले तो ये समझ ले कि मन बिल्कुल एक जंगल की तरह या बगिया की तरह है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, घास है, फूस है, कटीली झाड़ियां हैं, बहुत सारा है, यानी बहुत सारा चलता रहता है। पहले तो आपको उसको शून्य करना पड़ेगा, एकदम साफ करना पड़ेगा, उसके बाद में सकारात्मक करने की बात तो बाद में आएगी, पहले उसको शांत करना सीखना पड़ेगा, है ना। जैसे ही शांत होगा ना, आपका मन स्वतः ही सकारात्मक हो जाएगा, पहले तो उसे मौन करना पड़ेगा। तो मैं आपको मौन करना सिखाऊंगा, सकारात्मकता पीछे पीछे लौट जाएगी, ठीक है। आइए शुरुआत करें। हाँ बेशक, शुरुआत करते हैं। तो आज जो तकनीक है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ब्रह्मनाथ। क्या नाम है इसका? तो इंद्रिया आप जानते हैं ना, इंद्रिया जिनसे हम बाहरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, पांच इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, कर्म करने वाली पांच इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है बाहरी जीवन का। पढ़ते हैं तो आंखें चाहिए, कान चाहिए, स्पर्श चाहिए, है ना। जो आंखों से नहीं तो उनकी स्पर्श वाली सेंस बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, कान अच्छे होते हैं, है ना। अंधे होते तो उनके कान इतने तेज होते हैं कि वहां से कोई व्यक्ति गया तीन कदम चला, हर व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है। तो हम बस जो मुख्य दो इंद्रिया है सबसे ज्यादा मनुष्य के, तो क्योंकि मन कैसे चलता है, या तो कल्पनाओं से, या तो फिल्म चलती है अंदर, या फिर शाब्दिक। तो हम दो इंद्रियों को बंद करेंगे, आइए आंख और कान बंद करके बैठ जाते हैं शाम। तो कान कैसे बंद करने हैं? छिद्र से, छिद्रों को अंगुली से बंद कर दे अच्छे से, और आंख, आंख वैसे ही बंद कर सकते हैं। तो कुछ देर के लिए इंद्रियों को बंद कर दें, आंख और कान बंद कर दें। हाँ एक्सपेरिमेंट करके देखें।
अच्छे से अगर कान बंद किए हैं तो आपको कुछ सुनाई दिया होगा, एक महीन सी जैसी झिंगुर जैसी आवाज, हाँ बहुत शांत सी एकदम सन्नाटे की ध्वनि, ये आपके चित्त को शांत कर देगी। इसको बंद करने के बाद आप विचार नहीं कर पाएंगे, ये चित्त शून्यता के लिए बहुत जरूरी। हो सकता है कभी कभार नींद आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नींद आ जाए तो बेहतर। बीच बीच में पढ़ते वक्त आप बोर हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं, जब भी पढ़ते वक्त समझ में कुछ नहीं आना, सिर भारी हो, तब तनाव ग्रहण हो, तब उसको छोड़ देना चाहिए। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज आपको बोर करे या तनाव ग्रस्त करे तो उसको छोड़ देना चाहिए कुछ देर के लिए, और मन को शांत करने के लिए ये तकनीक बहुत आसान है। कुछ देर के लिए आंख और कान बंद करके बैठ जाए। ब्रह्मनाथ बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी सवालों के जवाब दी। अब मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी के कोई डाउट्स हैं, आपके कोई सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि सर से पूछे, बेझिझक आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन कीजिए अपने और सर आपको आंसर देंगे। जिसको भी पूछना अपना हाथ खड़ा कीजिए, सर माइक पहुंचा रहा हूं तक। जो भी जो सवाल पूछना चाहता है योग से जुड़े हुए या अपने निजी जिंदगी से जुड़े हुए कि सर मुझे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी फॉर जस्ट फॉर मोटिवेशन ऑल्सो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सर ये प्रॉब्लम बहुत है, इसका कुछ सोल्यूशन है, तो आप सवाल बेझिझक कॉन्फिडेंटली फ्रैंक होकर पूछ सकते हैं, डोंट वरी। किसी को पूछना है क्या? यस, पीछे कल्पना कर दीजिए माइक, आप माइक पूछा दीजिए, फोन ले लेंगे, एक मिनट स्पीडली यू कैन रिमूव इट। हाँ स्पीडली, ओके कंटिन्यू। थोड़ा पास में रहो। इनका सवाल है सर कि गुस्से को, हाँ यू कैन मूव, गुस्से को नियंत्रित कैसे करें। मुझे लगता है ये मेरा भी सवाल था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी है, और आज के समय में सर, आज के समय में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी यही है, स्कूल्स में भी यही चल रहा है मेरे ख्याल से, जितने भी टीचर्स गुस्सा कर रहे हैं। आपको देख के लगता तो नहीं है कि आपको गुस्सा आता होगा? नहीं, सबसे ज्यादा उसी को आता है सर। देखिए अगर इस पे थोड़ा सा काम किया जाए ना, तो अगर लाजमी है गुस्सा, तो हर 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 जीवन में हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जल है, इससे सदुपयोग भी किया जा सकता है, इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है ना। धन पैसा वो भी मस्त है ना, जीवन में जरूरी है ना पैसा, तो उससे आप सदकार्य भी कर सकते हैं और दुर्कार्य भी, मतलब शराब पी सकते हैं, कुछ नशा कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं, है ना, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, बहुत सारे सुंदर कार्य भी कर सकते हैं, नकारात्मक कार्य भी कर सकते हैं। वैसे अगर गुस्सा सम्यक है, यानी सम्यक असम्यकता हर चीज में होगी, अगर गुस्से में सम्यकता है, आपके नियंत्रण में गुस्सा लगता है यहाँ करना जरूरी, आपके पूरे नियंत्रण में गुस्सा भी बड़े प्यार से, गुस्से को भी बड़े प्यार से, अगर ऐसा है तब तो वो सम्यक है। लेकिन अगर वो अनियंत्रित है और आपके वश में नहीं और आप खो देते हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत है। देखें गुस्सा किसे आता है, है ना। एक बार देखें, एक महर्षि रमण है मेरे गुरु, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कला बताई थी। जितने भी विकार होते हैं वो अहम से जन्म लेते हैं, ईगो से, मानते हैं ये ईगो हर व्यक्ति की जड़ में होता है। जैसे मैं मान लू कि मुझे कुछ चाहिए, किसे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे डर लगता है, यानी मैं डरता हूं, हर चीज में मैं होता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना, मुझे वो नहीं करना, मैं तो मस्ट है, प्रथम विचार है मैं, है ना, फर्स्ट पर्सन, प्रथम विचार मैं है। अगर आप मैं का अन्वेषण करें, महर्षि रमण ने कहा है सारी चीजों को छोड़ के केवल आप ये देखें कि मैं जो है ये कहां है और कौन है, तो इसकी खोज करें। अन्वेषण का अर्थ खोज होता है, जब आप मैं को खोजेंगे तो धीरे 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 मन शांत होने लगेगा, आप उसके स्रोत तक चले जाएंगे, वहां से फिर पूरा मन आपके नियंत्रण में होगा, आप जो करवाना चाहे वही होगा। सर योग तो बहुत लोग करना भी चाहते हैं, और अगर ये समझ में मेरी बात नहीं आए तो मैं आपको दो तीन टेक्निक जो अभी सिखाया ना ब्रह्मनाथ, ये थोड़ा थोड़ा कीजिए, बीच बीच में ब्रेक लेके ब्रह्मनाथ है उसको सुनो, चित्त शांत होगा। दूसरी टेक्निक होती है आप सभी के लिए, योग निद्रा, नाम सुना हो या ना सुना हो, तो उसको कैसे सोते हैं, जैसे आप सोने को जाए कभी भी नींद कभी भी ले सकते हैं, है ना, चाहे क्लास में नहीं ले, पंद्रह मिनट की नींद भी होना ये बहुत कमाल की नींद है। तो अपने दोनों हाथों को पेड़ों समझते हैं, लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे वाला पेट का हिस्सा, वहां अपने दोनों हाथों को रख के एक से दो गहरी सांसें लेनी है, श्वास वहां तक जानी चाहिए एब्डोमेन तक। और कुंभक, एक टेक्निक होती है कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना, तो भीतर श्वास को भर के पेट को हल्का सा गुब्बारे की तरफ फुलाना है, दो बार या तीन बार रोक देना है, फिर वहीं ध्यान रखना है, आपका पूरा मन ये गुस्सा आने वाली समस्या खत्म हो जाए, अगर आपने किया तो। और
अगर ऐसा होता है नियंत्रण में आए तो आप करेंगे तो होगा ना, बिना किए नहीं होगा। तो ये तो रामदेव जी भी कहते हैं योग करने से होगा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है आपसे कि हर कोई योग करना चाहता है, मैं खुद भी करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति करना चाहता है, वो एक शुरुआत नहीं दे पाता, शुरू कैसे करे, उसके लिए प्रथम दृष्टि क्या होनी चाहिए, शुरुआत कैसे होनी चाहिए? बस एक इच्छा, एक सम्यक इच्छा है ना। इच्छाएं भी दो होती है, सम्यक असम्यक, एक सम्यक इच्छा। जब मैंने योग शुरू किया था तब मैं 10 बजे करता था। लोग कहते हैं सुबह 10 बजे नहीं करना चाहिए, 10 से 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, मुझे नहीं पता है ना। कुछ ही दिन पहले आपके यहाँ एक व्यक्ति विशेष आए थे जिन्होंने सर की पेंटिंग बनाई थी, है ना, किशन जी, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उनके साथ बहुत गंभीर हादसा हुआ, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति देखिए आप, बिना किसी गुरु के घर बैठे बैठे अभ्यास से, जैसे एक लोग भी कैसे होता है, 1 साल का कोर्स किया था बीच में छोड़ के आ गए। उनके साथ एक घटना घटी कि उनके सिर के बाएं हिस्से में चोट आई, तो दाएं हिस्सा काम करना बंद कर दिया, राइट साइड वाला। लेकिन उसके साथ ये उनकी ईश्वर की कृपा रही है, क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने एक अध्ययन किया था इसी प्रकार का एक केस साइकोलॉजी में, उस लेडी का भी है ना, जो बाया हिस्सा था वो चोटिल हो गया था, दाया हिस्सा खुल गया था सिर का। तो जब दाया हिस्सा खुलता, बाया हिस्सा बंद होता तो गणित समझ में नहीं आती। ये गणित में ये ऐसा व्यक्ति होशियार था जिसमें 100 में से 100 नंबर, बहुत होशियार लड़का था ये जो किशन जी थे। लेकिन जब उन्हें बीमार होकर आए और स्कूल गए तो उन्होंने एडमिशन लिया, उन्होंने साइंस ली, उन्होंने देखा उनको जोड़ बाकी भी नहीं आती, याददाश्त और जो बाया हिस्सा होता है ना वो तर्क के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन उनको एक वरदान मिला ईश्वर से, बाया हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है ना। सिर्फ खुद से अभ्यास कर करके उन्होंने योग की पेंटिंग बनाई, स्टूडेंट है और उन्होंने कल एक पेंटिंग बनाई है, अभी मेडिटेशन कर रहे हैं मेरे साथ, कल उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, शानदार। उसमें ये कि उन्होंने ये भी था कि जिस हाथ से वो पेंटिंग बनाते थे वही हाथ पैरालिसिस हो गया था उनका, और फिर उन्होंने दूसरे हाथ से मेहनत करके पेंटिंग बनाई जो आप सभी को हमने दिखाई, और वो उससे भी बेहतरीन बनाया उस हाथ को, उनसे उनके लिए ताली एक बार बज लीजिए। हम चाहेंगे कि वो और मोटिवेट हो और लोगों को और मोटिवेट करें। सर योग के बारे में बहुत सी चीजें बताई, यहाँ से मेरा भी एक पर्सनल सवाल आपसे ये है, कभी आपको ऐसा लगा कि योग करने के दौरान कि सर अब मुझे नहीं हो रहा, मैं थक गया हूँ, बहुत परेशान हो गया, ऐसा स्ट्रगल? अगर ऐसा तभी हो सकता है अगर आपने योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम समझा, सिर्फ एक्सरसाइज समझा है, तो हो सकता है आप उससे बोर हो जाए। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति ने एक बार भी ध्यान का स्वाद चख लिया तो शायद वो सब कुछ छोड़ दे, लेकिन वो योग नहीं छोड़ता है, ये मेरी गारंटी। बिल्कुल, क्योंकि मेरे जैसा आलसी व्यक्ति नहीं अगर मैं योग नहीं छोड़ पाया ना तो कोई नहीं छोड़ पाया, क्योंकि व्यक्ति वही करता है जहां उसे आनंद आता है, मजा आता है, वो चीज नहीं छोड़ेगा जहां मजा आता है ना। 2 क्षण के 5 क्षण के मजे के लिए भी हम कितना कुछ करते, अच्छी चाय पीने के लिए हम कहीं चले जाते हैं, क्रिकेट खेलने का जिसका शौक है वो क्रिकेट खेलता है, तो भूख प्यास से लगे तो लगे, बच्चे काफी होते हैं ना, होते ना, क्रिकेट खेलते रहो, मैं खेलता था इसलिए मुझे पता है, मैंने इसीलिए उदाहरण दिया। लेकिन जब ध्यान करोगे ना वो जो सुख है उसे योग में परमानंद कहते हैं, ईश्वर को एक शब्द है परमानंद, सबसे सबसे ज्यादा परम यानी अल्टीमेट, उससे आगे बाद ही कदम होगी, तो इसलिए वहां से ही निष्कर्म सिद्धि होती है, वो पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, फिर वो जो होते हैं वो सिर्फ लक्ष्य होते हैं, चाहे पूरे हो या ना हो, उससे फिर मन में कोई मलाल नहीं रहता, कोई बंधन नहीं बनता, कर्म मुक्ति हो जाती है कर्मयोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों में से और कोई बच्चे जो प्रश्न पूछना चाहता है? बिल्कुल, माइक पास कर किया सर, मेरा कुछ और माइक ऑन कर दी। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम अपने माइक और पास तेज बोलिए और माइक पास, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें देखते हैं उनकी और हमारा मन आकर्षित भी होता है, पर हम अपना मन कैसे एकाग्र करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, इनके लिए एक बात धन्यवाद। इन्होंने सिंपल भाषा में कहा कि मन बहिर्मुखी क्यों होता है ना, बहिर्मुखी मतलब कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट कर ले तो आप स्वयं को भूल जाते हैं, उस पर ही ध्यान केंद्रित रहता है ना। मान लीजिए कोई ऐसी चीज आपको दिख गई या सुनने में आए, वो तब तक ही सीमित है जब तक आपने आत्मस्वार अंतर्मुखी होना नहीं सीखा, ये बहिर्मुखता है ना, वो चित्त में उसकी छाप पड़ी रहेगी, उसी और दौड़े रहेंगे आप, जैसे सम्मोहित हो गए, सम्मोहित समझ समझते हैं, सम्मोहन अट्रैक्ट हो गए, हिप्नोटाइज हो गए, बिल्कुल घूम रहे,
इनका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये योग से संभव है। अंतर्मुखी एक प्राणायाम होता है कुंभक, उसके द्वारा आप सिद्ध कर सकते हैं, है ना। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें बुरा नहीं है, अगर आप स्वयं, जैसे इसमें एक शब्द होता है डबल एरोड कॉन्शियसनेस, है ना, जब आप किसी वस्तु विशेष से आकर्षित हो रहे हैं और स्वयं का भान भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसको देखते हुए आप स्वयं को भूल गए तब गड़बड़ है। हाँ ऐसा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप देखते जाएंगे एक वीडियो फिर वो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि आपका पूरा सबकॉन्शियस उसमें लग जाता है, फिर वो समय की आपको पता ही नहीं चलेगा, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, फिर जब सिर दुखना आएगा तभी पता चलेगा आप दूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और कोई स्टूडेंट्स जिनके डाउट, प्राणायाम कैसे करना, सिर्फ श्वास को भर के रोकते, जैसे आपको लगे मन भटक रहा है, आपके वश में नहीं हो रहा है, तो भ्रमनाद नहीं कर सकते, जैसे मान लो क्लास में ही बैठे हैं और मन कहीं चला गया इन द सेंस विचारों में खो गया, वैसे कहीं जाता नहीं है, विचारों में खो गया, तो आप देखें जैसे ही आप श्वास को रोकते हैं मन सीधा वहीं आ जाएगा शरीर पे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अभी हम करके देखेंगे। श्वास को रोकते ही चित्त पे धारणा आ जाती है, शरीर पे बाहर बहिर्मुखता नहीं होती, तो अभी आप करके देख लें कि श्वास चले बातें चले चित्तम निश्चले निश्चलम, जैसे ही श्वास रुकती है मन भी ठहर जाता है। दूसरा आपके लिए भी जरूरी है मैडम, है ये सारी चीजें एक साथ योग में सब कुछ, तो ये एक तो मैंने आपको सिखाया योग निद्रा वो वाला प्रयोग, एक श्वास को रोकने वाला, एक काम दी बेस्ट, ये तीनों करते हैं ना आप ध्यान में धीमे धीमे पारंगत होने लगेंगे। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और कोई स्टूडेंट जिनके डाउट्स हैं कि सर मुझे भी, बिल्कुल सर यहाँ इधर कीजिए, लीजिए माइक, लीजिए उधर माइक पास में, तो तेज आवाज में बोलिए। सर मेरा ये डाउट है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम सोचते हैं पर कोई लोग बोलते हैं कि जिस चीज में हमारा मतलब मन है उसमें ही करते, पर कभी कभी फिर सोचते हैं कि दो चीजें हो जाती कभी, फिर उसमें से हम क्या चुने, क्योंकि हम जिंदगी में मुझे लगता है एक ही काम। ये प्रश्न काफी समय तक मेरा भी रहता है, ये बहुत अच्छा है, सबका क्लैरिटी बात है, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल लंबे समय तक मुझे भी परेशान करा, क्या चुने, ये करें या ये करें, ना करें या क्या करें, ये द्वंद जब तक मन है तब तक रहेगा, जैसे ही वह शांत होता है, हम इसको बोलते हैं जब तक मन है तब तक द्वंद है, जैसे ही वो शांत होगा, जैसे एक मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पानी भरा हुआ है एक पात्र में और उसमें बहुत सारी तरंगे हैं और आप अपने आप की परछाई देख रहे हैं उसमें, क्या वो स्पष्ट दिखाई देगी, हो ही नहीं सकता। वैसे ही मन अगर चंचल है, बहुत सारे विचार है, एकाग्र नहीं है, शांत नहीं है, एकाग्र कहना भी गलत है, शांत नहीं है, तब तक जैसे ही उतर गए शांत होती है स्पष्ट। तो जो आपका डाउट है हम लगातार अभ्यास करें शांत रहें, जब इसलिए जब भी शांत होते हैं ना तब डिसीजन बहुत अच्छा आता है। आपको पता है सुबह सुबह जब हम बाथरूम में जाते हैं तब पूरे दिन की प्लानिंग होती है काफी लोगों की, उस समय सबसे बेहतरीन प्लानिंग होती है, माइंड एकदम फ्री फ्री। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट सवाल, जल्दी भूल जाते हैं भूलने की, ये तो बहुत सारे लोगों का सवाल है, इन्होंने बहुत ही आसानी से पूछ लिया कि भूलने की इसमें प्रॉब्लम क्या है, भूलना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन परीक्षा में भूलना तो बहुत दिक्कत है। ये एक अच्छा सवाल है, ये भूलेंगे तब तक जब तक होश की कमी है, अगर आप याद करना चाहते हैं किसी को, जितना याद करोगे उतना भूलते जाओगे, है ना। तो आप चीजों को समझिए, जितना हो सके अंदर उतारिए, अपने आप एक फ्लो के साथ जैसे वो आएगी बाहर आएगी अपने आप, है ना। जैसे मैं कई बार मैं होश पूर्वक नहीं होता तो चाबी रखती कहीं, जैसे सर से बात करूं ऐसे बात में ज्यादा ध्यान, और मैंने जो चाबी रखी उसमें ध्यान नहीं तो मैं चला गया, जैसे अभी कल परसों की बात है, मेरा भी होश थोड़ा होता है कभी कभार होता है, आया सर से मैंने बातचीत में फोन रख दिया, हाँ ठीक है चलता हूं, मेरे ऊपर मान था लेकिन मैं फोन भूल गया, मुझे याद दिला के फिर मैंने ले ही रहा था, मुझे तो याद था, हाँ सर लिखते सवाल कर रहे, जान बुझ के मैंने गलत लिखा ताकि तुम्हारा ध्यान बोर्ड करे, जबकि गलती हमसे ही होती। जब भी अवेयर होंगे, अवेयर होके कीजिए, वो आपको स्मरण रहेगा ही रहेगा। अगर मान लीजिए कभी भूल जाते हैं ना, अवचेतन को पता होता है, मान लीजिए अपन कई बार नहीं, मेरे घर में भी हुआ आपके घर में भी हुआ, ये चाबी नहीं मिल रही है, चाबी कहीं रख दी है, तो अपनी मम्मा बोलती है उसकी मन्नत मान दो या पल्लू की गांठ बांध दो, है ना, ठंडा पानी पियो, आप विश्वास रखिए, आप संकल्प देखिए, हाँ
मुझे याद है और मुझे मिल जाएगा। अब सिद्ध योग का बहुत बढ़िया प्रयोग है, मैं आपको समय मिला ना बेशक सिखाऊंगा और ये जीवन भर काम आएगा। जैसे मैंने अभी नए प्रयोग लॉन्च किया था सिद्ध योग का, तो मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। तो आपको पता है हम जो भी खाते हैं वही, जो भी पीते हैं अंततः वही शरीर बनता है, वही रक्त बनता है, उसमें से अच्छे तत्व निकल गए, है ना। तो एक डायलॉग है जो हमेशा हमेशा यही कहता है, जैसा खाया वैसा हो मन। तो जब भी अन्न लेते हैं या जल ग्रहण करते हैं उस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ईश्वर के प्रति धन्यवाद भाव से भरे। कभी भी जल पीते तो आप ऐसे होते थैंकफुल है ईश्वर धन्यवाद, एक संकल्प दोहराते हुए उसको पीना चाहिए। संकल्प एक पॉजिटिव संकल्प लिया, अफर्मेशन एक पॉजिटिव कि भाई अब मुझे सब कुछ याद रहता है, ऐसा फील करके जल पी लिया। ठीक है, जब आप 21 बार दिन में जल पियेंगे 21 बार ही रिपीट होगा, है ना, समझ रहे हैं, फील किया मुझे याद रहता है, ये बात सबकॉन्शियस में चलेगी ना, सब याद रहेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। और कोई स्टूडेंट्स इनके भी डाउट्स हैं? यस सर, माइक प्लीज। और क्या जब बताऊं सर, टेक टू आने पड़ेगा दीजिए। हम सब जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। कामयाब होने के लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए हमारा मन एकाग्र होना जरूरी है। पर आपने जैसे कि अभी अभी हमें कहा कि हमारा मन बहुत चंचल है, वो इधर उधर भागता रहता है, तो हम इसे एकाग्र करना भी चाहते हैं। जैसे कि फोन है, वही हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। हम इस लत को कैसे सफलता, लेकिन मेरे हिसाब से सफलता का अर्थ क्या है, जब मन नियंत्रित है और आप तृप्त हैं और वही सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि एकाग्र नहीं होता मन, जबकि एकाग्र तो हुआ, फॉर्म में एकाग्र हुआ, एकाग्र तो हो रहा है, लेकिन उसको एकाग्र के बजाय आप ये बोलिए कि मन को शांत करना। मेरे गुरु मुझे टोकते थे मुझे मन एकाग्र करना, नहीं एकाग्र नहीं करना, शांत करना, क्योंकि एकाग्र तो मन होता ही, वो उन चीजों पर जिस मान लीजिए उन किन चीजों पे एकाग्र नहीं होता जिनमें उसका मन नहीं लगता। जिस चीज में आपका मन लगता है, कभी आपने बोला मुझे वहां एकाग्र करना पड़ता, फोन में क्या आपको नहीं लगता फोन में फोकस होता है? फोकस तो होता ही ना माइंड, एकाग्रता सत्य क्योंकि वहां मजा आता है। नहीं नहीं, वो गेम खेल रहा है कोई बच्चा तो वहां एकाग्रता, पबजी में अगर मान लो कोई पबजी लवर है तो वहां एकाग्रता साधने की जरूरत नहीं पड़ती उसे, वहां एकाग्रता सदती है। जहां आपका मन लगता है ना, मान लीजिए बुरे कामों में आपको मजा आता है, बुरे इन द सेंस कोई भी, तो वहां एकाग्रता साधनी ही पड़ेगी। आप एकाग्रता के बजाय आप मन को शांत करना सीखे, जैसे ही शांत होगा उसको वश में करना आ जाएगा आपके वश में, क्योंकि जैसे मन शांत होता है उसको आत्मलीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, और ब्रह्म में लीन हुआ मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ब्रह्म सुप्रीम है, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। जब वहां आप उस स्टेट में रहने लगे तो मन की औकात नहीं कि वो आपसे परे जा सके। बिल्कुल, मन को शांत करने के लिए क्या आपके पास योगा के कोई ऐसे टिप्स है जो आपने जो अभी आपको तीन बताया ना, श्वास को रोकने वाले, कान को बंद करने वाले और योग, ऐसा करने के बाद अगर शांत नहीं होता तो सर को बोल देना कि उन सर ने बताया था और मैंने करने के बाद में मन शांत नहीं हुआ। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप करना दो दिन अगर आपको लगे, करने के बाद अभी मैं तो कह रहा हूँ अभी अभी आपके मन में कुछ चल रहा है क्लास के अंत तक आपको एक काम करना है, श्वास को बीच बीच में रोक देना, ठीक है। जैसे ही श्वास खुलती है उसको शांत होने दें, वापस रोक दें, फिर देखना फोकस रहता है आपके अपने ऊपर नियंत्रण रहता है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल, और कोई किसी के सवाल? बिल्कुल, कंटिन्यू सवाल आते जा रहे हैं। सर हम जब रात को सोते हैं तो सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, जब अलार्म लगाते हैं तो सर प्रॉपर टाइम पे नहीं उठ पाते, सर प्रॉपर टाइम पे नहीं उठ पाते, लेट ही उठते हैं, सर ऐसा क्यों? हाँ, ये तो सामान्य समस्या है। मैंने कहा ना, जब तक संकल्प भीतर ही, देखो अवचेतन का मन क्या होता है इसको है ना समझने की क्या जरूरत है, ये दीक्षित इतना समझ लीजिए कि एक विचार, एक निर्णय लिया, कोई भी निर्णय हो, चाहे बड़ा बनने का हो, चाहे अच्छे मार्क्स लाने का हो, अगर वो निर्णय ऊपरी ऊपरी केवल शाब्दिक है ना तो वो डेड, वो विचार ही मृत है। जब तक वो आपके एक एक न्यूरॉन्स के पास, एक एक सेल के पास वो मैसेज जाना चाहिए, हाँ सुबह 4 बजे उठना है, एक एक सेल के पास जाएगा पूरा शरीर आपको उठा देगा।
आपने कभी नोट किया जिस डेली रूटीन में आप जीते हैं कई बार चीजें वैसी की वैसी रिपीट हो जाती है। 9 बजे भूख लगती तो कल 9 बजे ही लगी, अधिकतर समय 3 बार चाय पीते तो लगभग 3 बार ही पीते हैं, रोज जर्दा खाते तो जर्दा खाना ही पड़ेगा, समझ रहे। एक बार आप क्षेत्र में बात करके तो काफी उस फिल्म उस पूरे चक्र को तोड़ने में टाइम लगता है ना? शांत करें और फिर उसको गहराई तक उठाना, ये आना चाहिए, इसे सीखा जा सकता है शांति से। 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने आप रात को सोते अपना उठते नहीं उठते क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है? कहीं बाहर विशेष कार्यक्रम के लिए जाना है और आपने बहुत शिद्दत से अंदर से फील कर रहे उठना ही उठना है, कहीं शादी में या कहीं ऐसी जगह जाना जहां आपको जाना जरूरी है, अपने आप आग खुलती है, भीतरी 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 होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के पूरी प्लानिंग करके आए हैं लग रहा है? नहीं, मैंने आपको क्या बोला था सर, जब यहाँ शुरू होगी अब उनको प्री प्लानिंग करनी होगी, अपने आप भीतर से क्वेश्चन निकल कर आते। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से जीवन जीने का असली मजा किसमें है? जीवन को किस प्रकार से जिया जाना चाहिए जिससे हमें कामयाबी मिल सके? किस ढंग से जिए हम अपने जीवन, किस दिशा में? हर व्यक्ति के ये इस जगह में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा होता है, हर व्यक्ति की एक अलग अलग साइकोलॉजी होती है, अलग मानसिकता होती है। अगर आप मुझे सफल जीवन के बारे में पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब बिल्कुल एक असाधारण व्यक्ति की तरह होगा, ब्रह्मलीन अवस्था, योग की पराकाष्ठा है, उसमें जीना है सबसे बड़ी सफलता मेरे लिए। हर व्यक्ति के लिए अलग होगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भीतर से शांत है ना, एक योगी हुए हैं ओशो, जिनके निंदक भी है और प्रशंसक भी है, लेकिन योगी इतना शानदार हुआ, उन्होंने कहा मनुष्य सफल वही है जो 5 कोशों पे नियंत्रण करे, जिसका भीतर से तो वो बुद्ध जैसा, कैसा हो? बुद्ध जैसा, एकदम शांत निश्चल, पूरा मन उसके नियंत्रण में, लेकिन बाहर से कैसा हो? राजा की तरह, दिखने में एकदम लग्जरियस, है ना? तो सफलता का एक श्रेय हमने काफी सुना है, सफलता का एक परिभाषा तो आप स्वयं जानते हैं कि भाई पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, समाज में लोग आपका नाम पूछते हैं, इस सफलता के बारे में आप परिचित हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति आज भी बहुत है मार्केट में, है कि नहीं? लेकिन अगर वो भीतर से दुखी है तो ये सफलता कुछ काम की नहीं। सफल होने का अर्थ है जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका मन शांत है भीतर से बुद्ध की तरह, और जो बाहर से भी समृद्ध है ना सर, जो बाहर से भी समृद्ध है भीतर से भी शांत है, उसका व्यवहार भी अच्छा है। तो चार मनुष्य को 4 कोष में बांटा, शरीर मन भाव, इन तीनों तलों पे और आत्मिक तल पे, इन तीनों पे अगर वो बैलेंस्ड है, महारत हासिल है, तो वो सफल व्यक्ति मेरे हिसाब से। एक शब्द में कहें तो स्वयं पे नियंत्रण, अगर सेल्फ कंट्रोल है यू कैन बी सक्सेसफुल। बाहर से भी आपके पास समृद्धि है और मन शांत। सर कई बार ऐसा भी होता है कि अपन बैठे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं जिंदगी में, अपने अतीत में, अपने पास्ट में हम चले जाते हैं कि कहीं गलतियां हो जाती है उसको लेकर हम बहुत रिग्रेट करते हैं। आपको लगता है इसके लिए कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि हम पास्ट के बारे में ज्यादा न सोचें? इसको संस्कार कहते हैं। पास्ट की कोई बात चिपक के रह गई ना तो वो फिर वही फ्यूचर बनती है। फ्यूचर होता क्या है? अगर कभी आज भी फ्यूचर के लिए कुछ करें, फ्यूचर जब भी अपने पास आएगा तो वर्तमान बन के ही आएगा। कभी ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में वापस फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। हम जो आज से 10 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है आज 5 साल बाद मैं कलेक्टर बनूंगा, तो जब कलेक्टर बनेगा तो वो जब बनेगा तब वो वर्तमान बन के उसके सामने आएगा, है ना? तो बस जो संस्कार है उनको मिटाना पड़ेगा, उससे पास्ट सिर्फ ध्यान ही एक माध्यम है जिससे आप संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। अगर चिपके हुए हैं, अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो ठीक है, पॉजिटिव है, तो वैसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और वैसे ही यात्रा होगी। तो सर आप जो ध्यान का बात कर रहे हैं, योग की बात करें, योग के लिए मतलब जरूरी है कि पर्टिकुलर स्पेस हो, जगह हो, वहीं पर योग करें या फिर आप कहीं पर भी योग शुरू कर सकते हैं? शुरुआत के लिए ऐसा हो सकता है, शुरुआत में मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास जरूरी है, बहुत पारंगत लोग होते हैं वो सांख्य योग में। 2 तरह की शाखाएं होती है, एक सांख्य योग। सांख्य योग कहते हैं कि आत्मा तो सदैव है, ईश्वर सदैव है, बस आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान होते ही आप आत्मलीन हो सकते हो। लेकिन दूसरा मार्ग है योग, वो कहता है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में जो कहता है अगर आत्मा है तो फिर है बस, लेकिन मन जब शांत नहीं होगा तब आत्मबोध उपलब्ध नहीं होगा। एक श्लोक है बहुत प्यारा सा, दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नहीं। जब तक ईगो रहेगा तब तक आत्मबोध नहीं रह सकता, मन कहीं ना कहीं चिपका हुआ, आपकी चेतना कहीं ना कहीं अटकी होगी, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, फिल्म चल रही होगी, बाहर कहीं अटका होगा,
जैसे वो आत्मलीन होगा एक तो अपने में समाएगा, तब जाके आत्मबोध हो गया हो, ऐसा होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं ना इस कॉन्फ्रेंस के बाद अपन आराम से बैठ के आपको 5 मिनट का मेडिटेशन कराऊंगा, फिर आप कहना कैसा लगा, ठीक है? फिर कुछ हम चाहेंगे अगर यही चीज अभी हो जाए तो भी ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आपके नजर में बेशक करें, बिल्कुल अगर संभव है तो समझाएंगे अभी, एक बेशक संभव है। और आप सबको सवाल जो पूछना चाहते हैं, संजय आप आ जाओ, चेयर ले लो, आराम से बैठो। एक माइक ले लो, आप ही सवाल पूछिए। ओवरथिंकिंग, ये मैं भी एक बार मन विचार करना शुरू कर देता थमता नहीं है, फिर ये श्रृंखला थोड़ी पड़ेगी। अभी सारी ओवरथिंकिंग कम करते हैं, यहाँ की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, अभी आपको फील भी होगा, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगा अपने प्राणिक शरीर के बारे में कैसे अनुभूति करते हैं। किसी स्टूडेंट को नहीं, आप सब अपने स्थान पे बैठे रहेंगे तो भी हो जाएगा, सिर्फ मैं जैसा बोलता हूँ वैसा थोड़ा सा आप मेरे को सहयोग देना, आपको हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ देर के लिए मास्क हटा ले प्लीज, सॉरी कोरोना। सर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, बट आपके हिसाब से जल्दी उठकर पढ़ाई होती थी तो ज्यादा याद रहता है क्या? क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो देखिए नींद से जब भी व्यक्ति उठता है ना तो बहुत मन शांत होता है। कई बार कुछ आप गहरी नींद से उठते हैं तो कई बार आपको बोलने की इच्छा भी नहीं होती, चुप रहने में मजा आता है, ऐसा होता है? काफी लोग तो ऐसे है 2 घंटे तक कुछ बोलते ही नहीं, तो जब मन शांत है पूरा उसकी थकान उतर चुकी है, जब उस समय पढ़ोगे तो बेशक। इसीलिए कहते हैं ना रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त जो कार्य अच्छे से किए जाते हैं वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं उस समय, क्योंकि जब हम रात को सोने जाते हैं तो प्राकृतिक रूप से निंद्रा आती है, मन शांत होने लगता है ना, हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो शांत होने लगती है। तो उस समय और सुबह उठते वक्त, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सुबह उठते हैं उसको ब्रह्म वेला बोलते हैं, है? ब्रह्म मुहूर्त, उस समय कितना अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति अगर उठा हुआ है शांति से, अगर ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है तो मान लो 4-5 बजे वो गलती से भी उठ गया उसको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? बहुत अच्छा लगता है, मतलब शब्दों से उसे बयां नहीं कर सकते, गुंगे की गुड़ की तरह। एक गुंगा व्यक्ति जिसने गुड़ खा लिया उसको बोलो गुड़ कैसा था, बस मजा आया। अब क्या बताए, ब्रह्म के बारे में इतने योगियों ने अनुभव किया लेकिन वो ज्यादा नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते, उसकी क्या व्याख्या हो सकती है? आप मुझे बोलोगे मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ थोड़े थोड़े हिंट दे सकता है ऐसे ही, तो बहुत अरे भाई मजा आता है। और कोई किसी के सवाल है तो सर आप बिल्कुल माइक जी वहां पर अरे सवाल जवाब करते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल डेमो कराएंगे योग। मैं सिंपल बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य के जीवन में कैसे कैसे दुख आते हैं, शरीर की कैसे कैसे पीड़ा आती है। पहला कारण है गंदगी, शरीर में रोग गंदगी से आते हैं। मान लीजिए आप ब्रश नहीं करते, गुटखा खाते हो, दांत सड़ने लग जाएंगे, आंखों को साफ नहीं करते, आंखों में कुछ चला गया, मतलब पेट को प्रॉपर ढंग से साफ नहीं हो रहा तो कुछ भी हो सकता है ना, बवासीर वगैरह कुछ भी, अल्सर वगैरह, मतलब गंदगी तो है ना, बहुत सारे रोग है, इतने तो मुझे नाम भी याद नहीं है और इतना नाम याद भी नहीं करना। सिर्फ पहला कारण ये समझ रहे हैं गंदगी, एक तो समय समय पे शरीर की भीतर से और बाहर से सफाई होनी चाहिए, जैसे बाइक को सर्विसिंग करते हैं वैसे भीतर से कम महीने में 2 महीने में एक बार पूरी आते साफ, इसकी भी प्रोसेस होता है सेट क्रम योग में, तो उसकी सफाई होनी चाहिए। पहला कारण तो गंदगी, दूसरा कारण है शरीर में व्याधि आने का, वो है कहीं ना कहीं नस नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं छोटे छोटे, बहुत सारी महीन से महीन और स्थूल से स्थूल शरीर में नाड़ियां होती है, उनमें से अगर एक नाड़ी भी ब्लॉक हो जाए ना तो शरीर काफी विकृत हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है प्राण शक्ति की कमी, अगर एनर्जी लेवल कम हो जाए, प्राण वाइब्रेशन व्यक्ति कम हो जाए तो भी वो डेड हो जाता है, मतलब ओझ नहीं रहता, तेज नहीं रहता, धीमे धीमे ऐसा शक्तिहीन हो जाता है, ऊर्जा भी कम। चौथा कारण है साइकोसोमेटिक, मानसिक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके, चिंता कर करके, विचार कर करके, नेगेटिव थॉट लगातार आप 2 दिन कर लीजिए, लगभग डिप्रेशन की हालत में या ज्यादा विचार करने से कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाए। आप देखा किसी को भी कोई भी समस्या उनकी जड़ में एक चीज कॉमन मिलती है, चिंता। किसी को शुगर है, बीपी है, कुछ भी है, वहां चिंता करनी, चिंता सबके जड़ में एक चीज कॉमन मिलेगी, चिंता, ठीक है? और पांचवा कारण होता है प्रारब्ध, है ना, कभी जाने अनजाने में पहले जो गलतियां हो गई, कर्म हो गया, वो पक जाता है तो लौट के वापिस आता है। तो इन पांचों को योग के माध्यम से हटाया जा सकता है, सफाई करके
स्ट्रेचिंग योग वगैरह करके योग निद्रा करके ब्लॉकेज हटाए जा सकते हैं। प्राणायाम करके योग निद्रा करके प्राण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। मेडिटेशन करके प्रारब्ध को जो पुराने संस्कार है जिससे सर ने कहा ना पास में कुछ हो जाता है उसको भी विलीन किया जा सकता है। जब हम इन पांचों चीजों पर काम करेंगे ना बेशक रिजल्ट मिलेंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, पूर्ण स्वस्थ। ऐसा मतलब मैं स्कूल जाने का मन नहीं आता, ये इसलिए तौर पर छुट्टी लेना चाहता है। तो मन तभी लगेगा स्कूल में जब आपको वहां मजा आएगा। तो पहले आप मन को शांत करना सीखे, फिर है ना ऐसा अपने मन को ही बना दे। बाहर की चीजें कई बार हम नहीं बदल सकते लेकिन अपने स्वयं को हम बदल सकते हैं। बहुत सारी बाहर की चीजें हम नहीं बदल सकते, जो अच्छे बदलाव है वो आप कोशिश करें। बेशक अगर अच्छा संकल्प है ना तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं और बदल भी नहीं सकते तो उसको है ना अपने मन को बदलना पड़ेगा। आपको वो कला सीखनी, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसका मैं एक थ्योरेटिकल जवाब नहीं दे सकता, बस उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और कोई स्टूडेंट्स इनके पीछे दीजिए, कोई और पूछना चाहता है? और जड़ में मन ही है, हर प्रश्न के उत्तर में जड़ में मन ही मिलेगा। मन को ही है, अंततः मन को ही नियंत्रण करना, चाहे ओवर थिंकिंग हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे जलसी हो। जलसी किसको होगी? जिसमें मैं होगा। गुस्सा किसे आएगा? जिसमें मैं होगा। मारी बात हूँ, कृष्ण कहते हैं ना कोई कामना कोई इच्छा जगी अगर वो पूर्ण हो जाए तो और इच्छा जगेगी, और इच्छा ना पूरी हो तो क्रोध आएगा, है ना। मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, तुम्हें गुस्सा आ गया। बिल्कुल, और पूछिए अपना सवाल। सर कभी कभी स्कूल में ऐसा कैसा होता है कि सर कोई बात कर रहे होते हैं, हमको अपनी जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होता है, पर एक बात होती है कि वो बात कर रहे हैं अपना मन कहीं ना कहीं उनके ऊपर चला ही जाता है। बेशक ये मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है ना। मान लीजिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आपके फ्रेंड्स कई बार आपके बारे में निंदा करते हैं, आपको बुरा भी लगता है, कुछ गंदे गंदे शब्द भी बोलते हैं, आपको गुस्सा भी आता है। तो उस समय मेरा ये मानना है, कृष्ण कहते हैं ना ज्ञानियों में ज्ञान हो बलों में बल हो, सब वही है। तो शांत होके ब्रह्मलीन रहके शांत रहके वहां से देखना चाहिए चाणक्य की नीति से कि हमें इस समस्या की युक्ति कैसे निकालनी है। आप आवेश में आके आप उस समय शांत हो और उस शांत अवस्था में देखिए अंत भीतर से क्या आ रहा है। यही तो आत्मज्ञान है। जब हम शांत रहते हैं ब्रह्म से लीन होते हैं तो हमें स्वयं से किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो क्षमता है कि मुझे क्या करना है, वो विवेक पैदा हो जाएगा। इसे विज्ञान में कोश बोलते हैं, योग में खुद से विवेक आएगा। ये कब आएगा? इसे रिकवरा प्रज्ञा बोलते हैं। जब आप ब्रह्म से लीन हो गए तब उस समय ये चीजें ऐसे नहीं शाब्दिक नहीं होगी लेकिन वो अपना समझ पैदा हो जाएगी भीतर से। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी कंडीशन में जैसे आपके सामने दो काम आ रहा है, सभी कुछ कह रहा है, आपका मन भी कुछ करने के लिए कह रहा है आपको, उसमें आप प्रायोरिटी तय करो कि मेरे लिए प्राथमिकता किसको होनी चाहिए, पहले मैं क्या करूं। काम दोनों जरूरी है बट पहले क्या जरूरी है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। और कोई स्टूडेंट्स जिनके डाउट्स हैं, जिनके सवाल पीछे सिंह आपसे कुछ पूछना है, और कोई किसी के सवाल है सर? माइक प्लीज। बैठो बैठो। सर अभी आपसे योगा के बारे में इतना सब सुन के मुझे खुद को योगा करने का मतलब बहुत ऐसा हो रहा है, तो मैं ना आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमें मतलब एक दिन में कितने घंटे योगा करने चाहिए, मतलब कितना समय देना चाहिए योगा को? योग को आप क्रिया की तरह मत लें कि मुझे इतना करना है इतना करना है। आप पूरा, मैंने क्या बताया था शुरुआत में, पूरा जीवन ही योग है। अलग से समय ना भी निकाले ना तो अब जैसे मान लीजिए चलना एक व्यायाम है कि नहीं? आप माइक लेके ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ये भी व्यायाम है ना, लेकिन इसमें होश होना चाहिए, होश समझ रहे? जो हाथ ऊपर नीचे गया अभी मैं आपको बताता हूं, सांस रोकिए और हाथ ऊपर नीचे कीजिए, ठीक है? उसको ऐसे ऐसे कंपन कीजिए दोनों हाथों को, हाँ टच नहीं करना है, शेक 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 करते रहिए। मैं जब बोलूं तब स्टॉप करना, स्टॉप, वाइब्रेशन फील हो रहे हाथों में के टच नहीं करना। अब इसको ऊपर नीचे कीजिए, क्या आप अवेयर हैं? यहां इन दोनों हाथों के बीच से एक मच्छर भी गया ना तो पता चलेगा आपको ये अवेयरनेस। आप यहां बैठ के भी योग कर सकते हैं, क्लास में सर पढ़ा रहे तो अलग से योग थोड़ी करना। मन शांत है, शांत होके आप शरीर मन भावना उस कमरे सबके प्रति अवेयर है, क्या आप ध्यान नहीं कर रहे है ना? आप चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं,
इवन जीवन में कई चीजें अगर सही ढंग से कर रहे हैं, पानी पीना भी योग है, हम मल विसर्जन करते हैं वह भी योग है। योग कहा नहीं, अलग से कोई समय निकाल के, ये ऐसे नहीं एक घंटा करना है, दो घंटा करना है, बस धीरे अलग से अगर आप व्यायाम मानते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करना है, पांच पांच दस दस मिनट एक अलग से समय निकालते हैं, प्राणायाम करना है तो दस मिनट पंद्रह मिनट, वो अपने सुविधा के अनुसार हम निकाल सकते हैं, कम से कम दस पंद्रह मिनट करना चाहिए प्राणायाम। बिल्कुल। और किसी का सवाल? सर हम स्टडी करने बैठते हैं तब हम हमें लगता है कि आधा घंटा होने पर लग रहा है कि हम ओवर ओवर हो रहे हैं, ओवर हो रहे हैं, और कोई मतलब सिर्फ आता हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई से प्रेम नहीं है आपको? अगर प्रेम है ना तो समय पता ही नहीं चलता। कोई बच्चा है जिसको पढ़ाई से बहुत प्रेम है वो बच्चा? हाँ, तो आपने कभी नोट किया कि समय कितना हुआ है ना? समय पता ही नहीं चलता। ऐसा मैं भी एक समय तक पढ़ता था आपने, जैसे मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मुझे कोई आप योग की पुस्तक देते, उपनिषद देते, गीता, मेरे अलग पढ़ा, मेरी वाइफ उसको है ना ऊपर पैक करके रखती है, उसको पता है ये किताब नीचे आ गई तो ये पूरे दिन बैठे रहेंगे सारी किताबें पढ़ लेंगे, और उसने रखा होगा कि आप ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटिक पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। मैं भी मेरे साथ भी यही होता है जो आपके साथ होता है, क्योंकि उसमें मेरा रदर ही नहीं, मेरे कनेक्टिविटी नहीं, फीलिंग नहीं, सिर्फ डैड ऊपर ऊपर पढ़ते ना ऊपर ऊपर से याद करते रट रट के, मजा नहीं आता। अगर प्रेम है और समझ में आ रही बात है तो पूरी, जैसे अगर मैं यहाँ अगर मेरी बातें आपको समझ में नहीं आती, आपको रुचि नहीं होती तो आप उठ के चले जाते, मातो खाए गए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने समय दिया। और किसी का कुछ पूछना है सवाल में? सर पीछे है, छोटा दी छोटा बच्चा। अच्छा, ये इधर फिर एक फिर इधर। सर हम बुरा भी नहीं होता लेकिन नियंत्रण होना चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको आपकी गलती नहीं है उसमें युक्ति होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए, शांत भाव से, गुस्सा भी शांति से, कि इसको कैसे ऐसा करें इसका इलाज की कभी दूसरी बार वो याद रखे, लेकिन योजना पूर्ण ढंग से और शांति से, और ये तभी होगा जब आपका मन पे नियंत्रण होगा। ये सबसे पहले आपको यही सीखना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये सीख लिया ना, आप समझिए कहते ना जिसने मन को जीता उसको उसने जग को जीता, बस इतना ही तो करना है। जग को जीतने जाना नहीं है, केवल मन को जीतना है बस। फिर जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, अभी है ना कई बार बच्चों के साथ एक समस्या होती है सर, वो क्या करते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं सब पढ़ना पड़ेगा, सबके लिए पढ़ाई नहीं है, कुछ बच्चे अनोखे होते हैं, है ना? तो ये आपको देखना पड़ेगा, और वो कब दिखाई देगा? शांत होंगे, क्या पता आपके अंदर एक गजब का टैलेंट छुपा हो, क्या पता एक बड़ा म्यूजिक सिंगर, डांसर या आर्टिस्ट, कोई भी प्लेयर, शांत होकर देखिए आपको प्रेम किससे है, और फिर उसमें समय का भान ही नहीं रहेगा। जब क्योंकि मुझमें योग के प्रति प्रेम था, है ना, मैं बड़े बड़े छोड़ के आया, बंक मार के आया, इंजीनियरिंग करता तो बहुत बुरा बनता है, और शायद अभी तक शायद पागल हो जाता है ना। तो ये मेरा प्रारंभ था और मेरी रुचि, मेरा प्रेम था। तो आप अपने देखे भीतर शांत हो गए, अपना स्वयं का स्वाध्याय शब्द सुना है, स्वाध्याय, आज तक आप काफी बच्चों को पढ़ा तो स्वाध्याय का अर्थ वो समझते पुस्तक पढ़ना, स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, स्व प्लस अध्याय, सेल्फ एनालिसिस, खुद को है ना, खुद का अन्वेषण करें, देखें मेरे अंदर क्या, जैसे आप चित्त की क्वालिटी है जहां पे भी टिकेगा ना वहां का नॉलेज देगा। मान लीजिए आप पुस्तक पढ़ते एक दिन अच्छा नहीं, दो दिन रोज एक ही पुस्तक को पढ़ेंगे ना कुछ तो उसमें निकल के आएगा, एक ही चीज को बार बार पढ़ने से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। एक व्यक्ति सिर्फ कार ठीक कर रहा, रोज खोल रहा, बंद कर रहा, कुछ ना कुछ उसे समझ में आएगा, यानी चित्त जहां टिक के रहता है ना कुछ देर तक वहां से कुछ ना कुछ गेन करता है। छोटे बच्चे को फोन हाथ में पकड़ाती है कितने जल्दी सीखते हैं, वैसे ही हम सब कुछ सीखते हैं। कभी खुद पे अन्वेषण किया आपने? कभी देखा पैर में क्या चल रहा है, हाथ में क्या चल रहा है, दिल कैसे धड़क रहा है, कभी गौर किया इन चीजों पर? जब आप खुद पे एनालिसिस करोगे ना, खुद पे थोड़ा समय दोगे ना,
तो आपको खुद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आएगी, स्वयं के शरीर के बारे में, मन के बारे में सब। लेकिन आप बाहर नहीं, थोड़ा थोड़ा खुद को भी समझे, थोड़े से स्वार्थी बने, खुद पे टिके, देखे, समझ में सारी बातें आ जाएगी। और जो मैंने तीन चार बातें बताई ना, उसका एक लंबे समय तक अभ्यास करें। लंबा समय तो बोल रहा हूँ, 7 दिन में, पहले दिन में ही पता चल जाता है, 7 दिन में उस पर महारत हासिल होने लगती है। फिर मैं इसकी एक स्टेप आगे और एक चीज सिखाऊंगा। बिल्कुल, आज का अंतिम सवाल पूछने के लिए, अजीत माइक, अंतिम सवाल लेते हैं आज का, फिर विदा लेते हैं आज के कार्यक्रम से। सर, हमको लगता है कि दूसरे लोग को हम देखते रहते हैं कि वो इतने इंटेलिजेंट है, हमको ऐसा लगता है माइंड हो, तो हम ऐसे कैसे बने सर? कंपैरिजन, तुलना कभी मत कीजिए किसी से भी, तुलना की तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हर व्यक्ति हर चीज में होशियार नहीं हो सकता, पारंगत नहीं होता, किसी न किसी में निखार होता है। चाहे एक ही फील्ड से दो पढ़ने वाले होशियार बच्चे, तुलना नहीं करनी चाहिए। वो कर रहा है, वो इसी को तो कहते हैं, बस आपका ध्यान वही मुखी हो गया, आप खुद का नहीं सोच के दूसरे के बारे में सोच के आप गुलाम हो गए। गुलाम इन द सेंस, समझ रहे, आपके चित्त पे कोई हावी हो गया। मान लीजिए आज के लिए बहुत ज्यादा चलता है, लड़के लड़के में थोड़ा सा प्रेम होता है और वो ब्रेकअप होता है, वो चित्त में घूमता रहता है, क्यों मना के डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब आप गुलाम हो गए, उसके उसने आपके चित्त का हरण कर लिया है, नहीं होना चाहिए। गया, आप नेता होना चाहिए साथ, समझ रहे मेरी बात? बहुत सारी बात, अंतर्मुखी, वही बात वही आएगी, अंततः वही आएगी कि मन को नियंत्रण करना, शांत करना। थोड़ा सा डेमो करेंगे प्रैक्टिकल सभी साथ में, सभी प्रश्न का अंतत एक ही उत्तर है कि मैं का अन्वेषण स्वाध्याय, मन की जड़ तक जाना, उसको समझना। बिल्कुल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, यू गिव योर वैल्यूएबल टाइम। ये थे दुष्यंत जी हमारे बीच में, आज इन्होंने योग के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। हम मिलेंगे अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ, और इस आज के इस कार्यक्रम के लिए दुष्यंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक छोटा सा डेमो मैं चाहूंगा सर, एक योग का हो जाए और उसके बाद एक ग्रुप फोटो हो जाए सर के साथ। ठीक है जी, कोई एक डेमो हो जाए, कोई योग के लिए आगे बुलाएं सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, आप बस फॉलो आइए, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, शांत बैठना है, हथेली आकाश की तरफ, वापस हम तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, है ना, गहरी श्वास। थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए घर है, उसमें चार कमरे, ठीक है, शरीर के चार से, शरीर, मन, प्राण, आत्मबोध, उसके बारे में अभी नहीं सोचना, मतलब शून्यता, खाली पर। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने ध्यान को मन से हटाना, शरीर या प्राण पर लाना, या तो आप ज्यादा एक्टिव हो जाए, जैसे ज्यादा काम करते हैं उसका मन उतना शांत रहता है क्योंकि वो एक्टिविटी करता रहता है ना। कई बार कई लोग इतने ज्यादा विचार विचार करते हैं, काम करते जाते हैं तो भी बकवास चलती रहती है, तब तो बड़ा गंभीर है, उस पर थोड़ा नियंत्रण करना है। अब हम ध्यान का पहला चरण, हम अपने मन को प्राण में लीन करेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा, तो शुरू करें। आज एक बार वापस अपने हाथों को कंपित करें अच्छे से, तो पहले ओंकार का उच्चारण, फिर हाथों को कंपित करना, अलग है कुछ, कंपन 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 उन्हें हिलाते रहे, शेक शेक शेक। ये अलग तरीका है, मजा भी आएगा सर, इससे इंग्लिश भूल तो नहीं जाएंगे। अब मन को यहाँ ठिका देना, अभी आराम।
वाइब्रेशन हो रहे हैं, इस प्राण में चित्त को ठहरा देना है, विचार की वकार नहीं की वो आ सकता है, ठहरा दीजिए। इसके साथ कुंभक जो मैंने बोला था, श्वास को भीतर भर के रोक लीजिए, जब तक रोक सकते हैं तब तक ध्यान हाथ की हथेलियों में ठहरा होगा। और देखिए क्या मन चल रहा है, जब श्वास आपको लगे कि नहीं रुक रही तब उसे शांत होने दें, मन अभी भी हाथ की हथेली पर ठहरा होगा। फिर वापस एक कुंभक ठहरा था छोटा सा, इसके साथ और नई नई चीजें सीखेंगे, कभी मौका मिलेगा मैं आऊंगा अपन साथ में बैठ के और करेंगे ध्यान।